जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, जहाँ पे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम वैरायटी, जिसमें अनेक्स है, वेस्ट पॉइंट है, ड्यूरॉन है, पैनासोनिक है, नेशनल है, हर किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स मिलेंगी आपको हमारे पास। और हमारे पास कूल सेट भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। हमारे पास जो प्राइसेस हैं वो सबसे कम है मार्केट में। एक बार हमें विज़िट करें हमारी शॉप के ऊपर, आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा प्राइसेस में। जी अस्सलाम वालेकुम, आज हम अपने कस्टमर्स के लिए लेके आए हैं मसाला ग्राइंडर है, बास स्केल है, पिज़्ज़ा मेकर है। पिज़्ज़ा मेकर के साथ हम ओवन टोस्टर, एयर फ्रायर और पिज़्ज़ा मेकर साथ लेके आए हैं मुकम्मल पैकेज के साथ, ठीक है। तो पहले हम आपको बास स्केल बताते हैं। ये हमारा बास स्केल है, ठीक है, 2 kg का बाउल है इसका, स्टील एंड स्टील है ये। इसके वेट के लिए इन्होंने बटन दिए हुए हैं, जितना मर्ज़ी आप वेट कर सकते हैं इसके ऊपर। ये सिर्फ होता है बेकिंग वगैरह अगर आपने करनी है, पिज़्ज़े की डो बनानी है या उसमें जो भी मटेरियल डालना है उसके लिए ये बास स्केल है। आप वेट कर सकते हैं, वेट के हिसाब से आप अपना मटेरियल नाप तोल के उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये वेस्ट पॉइंट कंपनी का 2 ईयर्स वारंटी के साथ है। अगर आपने शादी ब्याह के लिए रखना है तो इसकी वारंटी आपको ओपन मिलेगी। अगर आपने घर के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर आपको 2 साल वारंटी इसकी मिलेगी, ठीक है। तो ये वेस्ट पॉइंट के लिए इसका मेन्यू प्रॉपर आपको गाइडेंस बता देगा। तो सर इसकी मार्केट जो प्राइस है इस वक्त मौजूदा रेट है वो 4000 रुपये मार्केट रेट है, सिर्फ मौजूदा रेट, ठीक है। बाद का बाद में रेट होगा। अगर आप कहें ना कि आपने 4000 रुपये वीडियो में रेट दिया तो हम नहीं मानेंगे। जो मौजूदा रेट है, कह लें कि अभी 2-3 दिन का रेट है या हफ्ते का रेट है, वो मौजूदा रेट 4000 रुपये। अगर इससे बढ़ गया तो वो माजरत, हम कस्टमर के साथ बहस नहीं कर सकते, मार्केट रेट के हिसाब से हम चलेंगे। अगर रेट बढ़ जाए तो हम बढ़ के आपको बताएँगे, लेकिन मार्केट से हम आपको कम ही रेट देंगे। उसमें से डिस्काउंट होती है, हमारा इनवॉइस रेट होता है, तो नवाइस रेट में से हम अपने कस्टमर्स को लिए डिस्काउंट देते हैं जो हमें कंपनी देती है, ठीक है। तो इस बात पे आपने झगड़ा नहीं करना हमारे साथ कि आपने वीडियो में हमें 4000 रुपये रेट दिया और हम आपकी शॉप पर आए हैं तो हम आप कह रहे हैं कि 4500 है, 5000 है। सो क्लियर करने के लिए हमने आपको वीडियो में ये रेट बताया कि मौजूदा रेट है 4000, बाद का रेट 4500-4200, जो वक़्त के साथ रेट होगा वही हम आपको बताएँगे, ठीक है। इसके आगे हम लेके आए हैं ये अनेक्स की मसाला ग्राइंडर है, हार्ड मसाला करने के लिए। ये हकीम वगैरह ये लोग ये लेके जाते हैं मसाला बनाने के लिए, या मेडिसिन वगैरह में ये बहुत ज़्यादा काम आती है। जो कुंडी डंडे वाला काम है या ग्राइंडर वाला काम है वो सारा का सारा यही काम करेगा। इसमें आपको ये ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ इन्होंने, ठीक है। अनेक्स कंपनी की है, 2 ईयर्स वारंटी है, लॉक सिस्टम में है छोटे बाउल के साथ। अगर इसी में बड़ा बाउल चाहिए तो बड़े बाउल में ये आपको मिल जाएगी अपना, ये अनेक्स कंपनी में है। करेला का इसका ढक्कन है, गिर भी जाए तो ये जल्दी डैमेज नहीं होता, ठीक है, लॉक एंड लॉक भी हो जाएगी। ये मसाला ग्राइंडर है इसकी, ठीक है। इसकी डिब्बी का अगर खुदा ना खासा कल को लॉक डैमेज हो जाए या डिब्बी ख़राब हो जाए तो इसकी रिपेयरिंग भी है, ब्लेड के साथ है। हार्ड से हार्ड मसाला इसके अंदर कर सकते हैं, 2 ईयर्स वारंटी है। ये भी अनेक्स कंपनी में है, इसके मसाला बॉक्स बड़े साइज़ में ये ओपन में आ जाती है। उसके बाद हम लेके आए ये पुशर में, हम लेके आए हैं ऊपर से, इसको पुश करेंगे तो ये ऑन होगी, अदरवाइज़ इसको छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगी। ये सिर्फ ढक्कन लगना है, ये भी लॉक इन लॉक के साथ है, ठीक है, वही चीज़ है। ये वेस्टर्न ब्रांड में है, लेटेस्ट मॉडल है, और ये भी आपने सिर्फ हल्का सा आपने पुश करना है तो ये चल जाएगा, अगर आप छोड़ेंगे तो ये भी बंद हो जाएगी। ये सिर्फ बटन के साथ है। तो मैं इसकी प्राइसेस आपको बता देता हूँ। तो सर इसका जो मौजूदा रेट है वो 4250 है, और इसका जो मार्केट मौजूदा रेट है वो 5150 है, 5150 इसका मौजूदा रेट है, इनमें से डिस्काउंट हो जाएगी। तो ये इसका मौजूदा रेट है वो 5500 है। ये भी आपको बात क्लियर करते हैं कि ये मसाला ग्राइंडर के साथ साथ ये कॉफ़ी मेकर भी अपना, क्या कहते हैं इसको, कॉफ़ी ग्राइंडर का काम भी करेगी। कॉफ़ी के जो ज़र्रे होते हैं, बी होते हैं, वो उसको भी पाउडर का पाउडर बना देगी, क्योंकि इतनी हैवी ड्यूटी है। इसकी मोटर वोल्टेज भी अच्छे हैं। कंपनी के हवाले से बात करें तो कंपनी भी ब्रांडेड है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। अनेक्स और वेस्टर्न वैसे भी एक ब्रांड बन गया आज के वक्त में। तो आगे हम ले कर आए हैं एयर फ्रायर, साथ में हम पिज़्ज़ा मेकर ले कर आए हैं। पिज़्ज़ा मेकर ये जो हमने आपके सामने रखा हुआ है ये चाइना मेड में है, लेकिन चीज़ बहुत आउट क्लास बनाई हुई है, चाइना कंपनी में है। रेड कलर का इसका शेड है, ये दोनों टैमर और टेम्परेचर दिया हुआ है। इसके अंदर जो है ना 15 इंच का पिज़्ज़ा आपका इजी तैयार हो जाएगा। वारंटी की अगर बात करें तो वारंटी वही है, वही तरीकाकार है। घर में इस्तेमाल करनी है तो फिर 2 साल है,
शादी ब्याह के लिए रखनी है तो फिर आपको ओपन वारंटी मिलेगी। शादी ब्याह के लिए इसलिए हम वारंटी ओपन देते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता सामान अपना इकट्ठा करते हैं, तो अभी टाइम पड़ता है मसलन के रहता है 5 साल है 10 साल है तो आपका सामान पैक का पैक ही रहता है, जब आप इस्तेमाल करते हैं तब तक इसकी वारंटी ज़ाया हो जाती है। इसलिए हम वारंटी आपको ओपन देते हैं कि जब आप इस्तेमाल करें तब इसका वारंटी कार्ड खोलें और इसके ऊपर डेट मेंशन कर लें, उसके बाद हमारी चीज़ सेल होगी, तब तक आपके घर में हमारी चीज़ अमानत तौर पे पड़ी हुई है। तो जब आप डेट डालेंगे उसके बाद हम इसका क्लेम सेंटर लेंगे, वैसे हम क्लेम सेंटर इसका नहीं देंगे आपको, ठीक है। तो ये चेक करें इसका व्यू, इसका सर खोलने का तरीका कार है, ये बटन लगा हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये ग्रिल के तौर पे भी इस्तेमाल होगा और पिज़्ज़े के तौर पे भी इस्तेमाल होगा। ग्रिल में इसमें आप कर सकते हैं अपना फ़िश चिकन कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर रख के ग्रिल कर सकते हैं। ये टेम्परेचर इसका फुल पे रखना है या हाई पे रखना है वो आपको बेहतर पता है, ये टाइमर इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका तरीका कार है कि आपने इसको ऐसे लगा के इसके अंदर डाल देना है। ये पिज़्ज़े के लिए भी काम करेगा और अपना रोस्टिंग के लिए भी काम करेगा, बेहतरीन चीज़ है। प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस इसकी सर 12,000 रुपये कंपनी अपना रेट है, मार्केट रेट 12,000 रुपये है। इसमें डिस्काउंट भी हो जाएगा और चीज़ भी बेहतरीन है। इसकी सफाई का जो आप अगर आप लोगों का माइंड हो ना, ये इसको बंद करने का तरीका अगर ये है कि इसका बटन आपने प्रेस करना है तो ये बंद होगा, ये लें, ठीक है। सफाई का तरीका अगर इसका बहुत ज़बरदस्त है, ईजी है, वो डिश वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। ये देखें, क्लोज ओपन, ठीक है, इन्होंने बटन दिया हुआ है। इसको नीचे आपने पुश किया, पुश करने के बाद इसको आपने बाहर, तो ये वेस्ट के लिए कचरा भी बाहर आ जाएगा। इसकी सफाई इजी है, वारंटी के साथ है, राड भी अच्छे लगे हुए हैं, डबल राड में है ऊपर और नीचे, प्योर आउट क्लास चीज़ में नहीं हुई है। और ये देखें, इन्होंने एग्जॉस्ट भी दिया होगा कि अगर हीट ज़्यादा हो जाए तो ओवर एग्जॉस्ट बाहर करता जाएगा। ऐसे आपने इसको बंद करना है हल्का सा नीचे पुश करके, तो ये लॉक में हो गया। तो ये 12,000 की मार्केट रेट है इसका, मौजूदा जो रेट है, बाद की बात बाद में करेंगे, बाद का जो रेट होगा वो जब आप हमारी शॉप पे विज़िट करेंगे या हमसे रब्ता करेंगे फिर हम आपको मौजूदा रेट बताएंगे उस वक्त का जब इसका रेट होगा मार्केट में, ठीक है। तो आगे सर हम आप लोगों के लिए लेके हैं वेस्टर्न ब्रांड का, इसमें ओवन टोस्टर भी है, फ़िश ग्रिल भी है, साथ में हम आपको दे रहे हैं अपना पिज़्ज़ा मेकर भी दे रहे हैं, उसके अलावा हम आपको एयर फ्रायर भी दे रहे हैं। मसलन कि इसमें 5 से 4 चीज़ें हैं जो कि हर ओवन में नहीं होती मौजूद, उसमें सिर्फ आपको बेकिंग के लिए मिलता है सामान, केक बना लिया, उसके अलावा रोस्ट कर लिया, इसके अलावा तीसरी चीज़ कुछ भी नहीं होती। तो मैं इसको आपको बताता हूँ तरीकाकार इसका। ये देखें सर, इसकी बॉडी प्योर स्टील एंड स्टील है, ना इसका कलर लगा हुआ है, ना इसके कलर ख़राब होगा, ना इसको जंग लगेगा, अगर जंग लग जाए तो काबले वापसी है ये प्योर, अगर स्टील एंड स्टील ना हो तो, ठीक है। साइज़ इसका है अपना 25 लीटर साइज़ है इसका। तो ये इसका इन्होंने मैन्यू तरीकाकार दिया हुआ है, ये फर्स्ट पे इन्होंने बनाया हुआ है टाइमर, जितना मर्ज़ी आप टाइम लगा लें, टिक की आवाज़ भी आएगी, साथ में ये लो हाई पे इसका टेम्परेचर दिया हुआ है। लो हाई पे अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं तो लो हाई पे आप इसको चला सकते हैं। उसके अलावा ये देखें, वाज़ इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर एयर फ्रायर चलाना है तो एयर फ्रायर भी आप इसके अंदर मौजूद है कि एयर फ्रायर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा ऑयल लगाएँ, राड ऑन करें, 10-15 मिनट के बाद आपकी चीज़ तैयार है बिल्कुल बगैर ऑयल के, ठीक है। ये 1 राड पे है, ये डबल राड पे है, 1 राड मसलन के अगर आप 1 राड पे करते हैं तो ये इसके ग्रिलें वगैरह हैं, ठीक है। ये इसके कचरे के लिए ट्रे है, जो पानी वगैरह ऊपर से गिरता है वो नीचे इसके ऊपर आ जाएगा, आपकी ये शीट ख़राब नहीं होने देगा, ठीक है। ऐसे आपने इसको लगाना है। तो ये समझा रहा था आपको कि फ़र्स्ट राड पे जो है ना सिंगल एयर फ्रायर के बगैर, मसलन कि अगर आपने एयर फ्रायर नहीं चलाना, पंखा नहीं चलाना, तो फिर ये सिंगल जो राड है दोनों, अगर फर्स्ट पे करेंगे तो सिंगल फ्रंट वाले चलेंगे, अगर बैक पे करेंगे तो ये बैक राड चलेंगे, अगर सिंपल चलाना चाहते हैं तो दोनों के चारों राड चल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन आ जाता है एयर फ्रायर के साथ, ये देखें आपने जूम दिया उन्होंने, ये फ़ैन के साथ चलेंगे दोनों, ये भी फ़ैन के साथ चलेंगे आगे पीछे वाले, और ये टोस्ट लिखा हुआ है, टोस्ट आप अपना एयर फ्रायर के तौर पर भी आप सिंपल में इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और एयर फ्रायर का जो टेम्परेचर है उन्होंने ये दिया हुआ कि अगर लाइट करना चाहते हैं तो लाइट में ये रख लें, लाइट होता एक तो होता ना कि आपको अंदाज़ा नहीं होता कि हमने वो फुल ज़्यादा गर्म कर लिया है, फुल ज़्यादा लाल कर लिया है, जला लिया है, इसमें वो सिस्टम नहीं है। आपने जैसा आपको चाहिए वैसा मेन्यू दें तो वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। मसलन लाइट सा चाहिए कलर तो लाइट पर ले आएँ, मीडियम चाहिए तो मीडियम पर ले आएँ, और अगर डार्क चाहिए
तो बिल्कुल डार्क पे आपका कलर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑन ऑफ का जो है इन्होंने लाइट दी हुई है, तो इसका जो तरीकाकार है वही चीज़ है, बस का एयर फ्रायर लगा हुआ इसके अंदर सारे सिस्टम है। ये देखें आपको मैं वाजह दिखाता हूँ कि एयर फ्रायर का जो इन्होंने सिस्टम दिया है वो इसकी छत के ऊपर ही लगा दिया है। ये थोड़ा सा व्यू आपको नीचे से देना पड़ेगा, ये लें ऊपर बड़ा फ़ैन लगा हुआ है एयर फ्रायर के तौर पर, ये इस्तेमाल होगा। इसके अंदर एलईडी लाइट भी बड़े साइज़ की लगी हुई है, और चार के चार राड ऊपर और दो राड नीचे इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, ये टोटल जो राड है ये तकरीबन अपना 6 राडों पर मुश्तमिल है। साइज़ भी इसका 25 लीटर में है। ठीक है, और वेस्टमैन कंपनी का चीज़ आउट क्लास बनाई हुई है, प्योर स्टील एंड स्टील बॉडी में है। ठीक है सर, तो इसका मैं वोल्टेज आपको बता देता हूँ जो अभी मौजूदा है। सर इसके वोल्टेज भी मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, 1500 वाट है ओनली। अगर आप सिंपल ओवन टोस्टर लेते हैं वो 1800 वाट में आता है, 2000 वाट में आता है, तो ये 1500 वाट में आपको एयर फ्रायर भी दे रहा है, ओवन टोस्टर भी दे रहा है, उसके अलावा पिज़्ज़ा ऑल टू ऑल काम इसके अंदर कर सकते हैं, एयर फ्रायर भी इसके अंदर ही मौजूद है। ठीक है, तो ये इसकी डिशेज़ वगैरह मैं आपको डिशेज़ भी दिखाता हूँ इसकी। तो ये सर इसका अपना स्पून दिया है उन्होंने डिश बाहर निकालने के लिए, गर्म होती है। आप ग्लव्स वगैरह अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसको नीचे से डालें, ऊपर से डालें, आप सिर्फ इसको बाहर निकाल सकते हैं, उसके बाद अपना कपड़े के साथ इसको बाहर निकालें डिश को। तो ये इसका वारंटी कार्ड है, 2 ईयर्स वारंटी के साथ है, पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी आप रिपेयरिंग करवा सकते हैं। अगर फैसलाबाद में मौजूद है, फैसलाबाद में हमारी ब्रांच है सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, उधर हमारी वर्कशॉप अवेल है, आपको मिल जाएगी, उधर से आप आपके रिपेयरिंग करवा सकते हैं। तो ये स्पून हो गया भाई निकालने के लिए अपनी डिश वगैरह को, तो साथ में ये रोस्टिंग के लिए ये इन्होंने क्लिप दिए हुए हैं, एक साइड से आपने क्लिप इसका डालना है। ये देखें मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका करके आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा इसका व्यू देता हूँ। वैसे हर बंदे को पता है कि ये कैसे इस्तेमाल होगी, बाज का किसी कस्टमर को नहीं भी पता होता, तो इसलिए हम व्यू कर देते हैं प्रॉपर। ये देखें इसको एक साइड से आपने डालना है इस तरह से, ठीक है, एक साइड से डाल के इसको आपने लॉक कर देना है, ऊपर से आपने इसको लॉक किया, तो ये लॉक हो गया, वन साइड से लॉक हो गया। इसके अंदर आप फिश डालें, मुर्गा डालें, या कोई भी आप अपना बीफ मटन का कोई भी आप पीस इसके अंदर डालना चाहते हैं रोस्टिंग के लिए तो रोस्ट कर सकते हैं। इसको एक साइड से डाल के दूसरे साइड से आपने इसको ऐसे लॉक कर देना है, ठीक है, तो ये प्रॉपर पकड़ पकड़ लेगा कि वो घूमेगा नहीं। ठीक है, तो ये इसका आपने वो बटन जो भी है अपना लॉक कर देना है इसका पेज के साथ, पेज के साथ लॉक करके, ये देखें पेज के साथ आपने लॉक किया, और लॉक करने के बाद ये जो साइड है ये रिंग वाली, ये पहले आपने ये साइड इसके अंदर लगानी है वो सुराख के अंदर, फिर उसके बाद ये लगानी है। तो इसके अंदर जैसे आप इसको पावर ऑन देंगे, टाइमर लगाएंगे, टेम्परेचर देंगे, तो ये मूव करता जाएगा, साथ साथ घूमता जाएगा, और आपकी जो भी चीज़ होगी मसलन ऊपर फ़ैन लगा हुआ बेहतरीन रिस्पांस देगा, पकाई भी अच्छी करेगा। बकायदा इन्होंने ये लाइट वगैरह वाला सिस्टम जो आपको दिया हुआ है ये बहुत अच्छा दिया है, कि आप अगर आप टाइम लगा के आप चाहते हैं कि हमारा टोस्ट सिर्फ लाइट सा रहे या हाई लाइट में रहे, तो आप इसको टाइम लगाएँ और बेहतरीन रिस्पॉन्स देगा, आप अपना काम ईजी होकर कर सकते हैं, इसके ऊपर तवज्जो देने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सर इसका टोस्ट रोस्टिंग के लिए, और ये इसकी डिश है, इन्होंने ये कवर है वैसे उतर जाएगा, नॉनस्टिक है, तो इसका जो तरीकाकार है मैं वैसे इसको आपको बता देता हूँ। ये स्टेप बाय स्टेप आप इसको लगा सकते हैं, अगर आपने केक बनाना है जैसे भी आपने बनाना है तो ये आप इस साइड में रखें, अगर नीचे से कच्चा है तो फिर नीचे स्टेप पे ले आएँ, अगर ऊपर से तो ये ऊपर, अगर स्टेप पर लेके आते हैं, अगर पिज़्ज़ा बन रहा है तो ऊपर से कच्चा है तो ऊपर स्टेप पर ले आएँ, अगर नीचे से कच्चा तो नीचे स्टेप पे ले आए, कि वो आपको प्रॉपर रिस्पांस मिले। जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं, किसी भी मैकडोनल्ड वगैरह से आप लेके आते हैं चीज़, तो वो मसलन के बहुत अच्छा रिस्पांस देती है, अगर घर में वो तैयार करते हैं चीज़ तो कोई ख़ास इतना अच्छा रिस्पांस नहीं होता आपको जैसे हम मार्केट में लेके आते। तो उसकी वजह ये है कि आप लोग एक तो उस चीज़ की केयर नहीं करते, कि एक तो टाइम का नहीं आपको पता कि हमने टाइम कैसे लगाना, तो इसलिए इन्होंने सारा टाइम इसके ऊपर दे दिया है। वेस्टमैन कंपनी का 2 ईयर्स वारंटी के साथ है सर, आउट क्लास चीज़ है। तो ये इसकी ग्रिल्स वगैरह हैं, ये फ़िश ग्रिल भी इन्होंने दी हुई है, ठीक है, रोस्टिंग के लिए भी आप सारा कर सकते हैं, और ये इसका सांचा टाइप बनाया हुआ है इन्होंने, ये भी इसी तरह लगना है जैसे वो आगे ग्रिलें लगी हुई हैं। ये रेट मैं बताता हूँ सर इसका, तो सर जो इसका मौजूदा रेट है ना
मौजूदा जो मार्केट हमारी अभी चल रही है मार्केट रेट के हिसाब से अगर बात करें इनवाइस पे, तो इसका मार्केट रेट है 26,800 मौजूदा जो रेट है, ठीक है। फिल वक्त जो हमारी आज की लिस्ट है 7/7/2022 की लिस्ट है आज की, ठीक है। मौजूदा जो रेट है वो आपको 26,800 मार्केट रेट है, इसमें से डिस्काउंट हो जाएगा, जितना भी होगा वो आपको मार्केट रेट से कम ही मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये सिर्फ, ये भी मैं आपको वाजिया बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि ये सिर्फ आरजी रेट है, ठीक है। अगर आप एक माह बाद हम हमसे रब्ता करते हैं, तीन माह बाद रब्ता करते हैं, हमसे कहते हैं कि भाई ये आपने रेट 26,800 दिया है, तो आज हमें दे रहे हैं 35,000, 30,000, 32,000, तो जो रेट मार्केट में मौजूदा होगा दो माह बाद या एक माह बाद वही हम आपको लगाएंगे, आपके साथ बहस हमारी कोई नहीं होगी। अगर हमने ये 26,800 दिया है तो हमने सिर्फ आपको गाइड करने के लिए दिया है कि जो इसका रेट है वो ये चीज़ है, ये प्राइस है इसकी, ठीक है। प्राइस देख के फिर हमसे रब्ता करें। अगर आपको लाइक कर रहा है कि आप सूट कर रहे हैं इसको कि ये ठीक है, प्राइस के हिसाब से ठीक है, तो इसलिए हम आपको प्राइस देते हैं कि ये प्राइस है मौजूदा चीज़ की, ताकि आप परेशान ना हो के पता नहीं इसकी क्या प्राइस है, कितना का महंगा होगा। तो ये महंगा मुंगा कोई भी नहीं है, ये सिर्फ आपको प्राइस आइडिया तौर पर देते हैं कि ये रेट है इसका मौजूदा रेट, हम आइडिया तौर पर देते हैं कि आपको आइडिया हो कि ये चीज़ इतनी इतनी रेंज में अफोर्ड हो सकती है हमें। तो सर थैंक यू आज की हमारी वीडियो के लिए, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, ज़ैना सुपर मार्केट के नाम से हमारा चैनल है, ठीक है।